जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, जिसका उत्पाद होता है उसका व्यय होता है। मेरा न जन्म है न इसलिए मेरा मरण भी है, और मेरा मेरे में संयोग नहीं है इसलिए संयोग का वियोग भी नहीं है, और नया उत्पन्न नहीं हुआ इसके लिए कभी नाश नहीं होता। जो चैतन्य स्वरूप है वह आनंद स्वरूप है, शुद्ध सत्तात्मक पदार्थ है, पर द्रव्यों से भिन्न सत्ता नहीं है। देखो भाई, बादाम की मिजी के साथ छिलका है, उस छिलका को अलग कर दिया जाए तो मिजी की कीमत घट नहीं गई, मिजी की कीमत तो और ज्यादा बढ़ जाए, और अगर छिलके से मिजी अलग कर दिया तो भगवान चैतन्य स्वरूप है, आनंदमय है, इस लोक में पूज्य है, अनंत शक्ति संपन्न है, और अगर शरीर से आत्मा से भिन्न शरीर को देखा जाए तो शरीर तो मुर्दा है, खुदगल है, अशुचि है, अपवित्र है, संयोग है, संसार का कारण है। अब दोनों चीजें एक साथ हैं, देह को देख करके दुखी होना अलग बात है, लेकिन देह को देह के रहते हुए भी देह से भिन्न आत्मा को देख करके आनंदित रहो, बस यही समाधि है। शांत भाव, निकटार भाव, हाँ, संयोग का वियोग है, मेरे में तो कोई वियोग है नहीं। जब संयोग ही नहीं हुआ तो परमार्थ से देखा जाए तो वियोग किसका, जो जिसका वियोग है उसका तो उसको तो पहले से ही भिन्न है, और जो अभिन्न है मेरा ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रभुता अनंत वैभव, उसको कभी भिन्न होना नहीं। डब्बे से मिश्री को अलग कर दिया जाए तो मिश्री का क्या बिगड़ा, कुछ नहीं है। विचार अपने चैतन्य को लक्ष्य रख रख करके बार बार चैतन्य स्वरूप शुद्ध सिद्ध रूपो हम, शुद्ध सिद्ध रूपो हम, शुद्ध सिद्ध रूपो हम, बस ऐसी धुनी लगा, और बाद बाकी जो है उसे भिन्न जानो। अपने को देखते हुए जो कुछ भी दिखे वो दिखे, और नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। देख होते हुए भी जिनकी दशा देह से रहित होती है, देह छटा जेनी दशा वर्ष देहाती, उन ज्ञानिन के चरण में बंधन हो अगड़ी, ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्ध स्वरूपो हम, ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्ध स्वरूपो हम, मुक्त स्वरूपो हम, अहमिको 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 सदानंद मयम जीवम यो जानात स पंडित, निर्विकल्प समुत्पन्नो ज्ञान मात्र ज्ञान में सुधारसम विवेक मंजलम कृत्वा एक विवंती से तपस्विन। तपस्वी तो आत्मा के अतिशय आनंद रस को पीते हैं, और विद्वान भी उसको आनंद रस को जानते हैं। अरे बनारसी राशी को याद करो, ज्ञान पुटक का हाथ मारे अर मोहना, प्रगटो स्वरूप स्वरूप अनंत जो सोहना, या पर्याय को अंत सत्य कर जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। अंतरंग में आत्मा भगवान है, और सदाकाल भगवान है, शाश्वत भगवान है, उसे भगवान किसी ने बनाया नहीं है। उस भगवान के आश्रय से पर्याय में भगवान पना प्रकट होता है, जिसका उसमें अभाव है, ऐसे रागादिक दोषों का अभाव हो जाता है, और जो जिससे वह परिपूर्ण है ऐसे ज्ञानादिक भावों से परिपूर्ण हो जाता है। आत्मा आत्मा है बस, और उसी का नाम शुद्ध आत्मा है। कारण परमात्मा है, परमात्मा का वही कारण है, परमालाज संपन्नम परम आराध्य संपन्न,
देह में स्थित परमात्मा को देखो, अंतरंग में खूब अपने सावधान रहो, भयभीत होने का काम नहीं है। क्यों? हमारा तो कुछ है, बार बार वो दुखी लगा सहजानंदी स्वर्ण स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ये मरे से मैं नहीं मरता, वे घटे से मैं नहीं घटता, ये अभिन्न है और मैं भिन्न, बस चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप। तत्व ज्ञान करण में एक कथन आया, आत्मा की एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म परिणाम है, लेकिन शुद्ध चित्त रूप का स्मरण करने पर वे कर्म वर्गना जाने कहाँ चली आती। वे कर्म वर्गना जैसे प्रकाश में अंधकार दिखाई देता है, ऐसे ही भी कर्म वर्गना है रागादिक भाव, और जब रागादिक भाव नहीं है तो दुख भी कहाँ होगा। अनाधिकाल की लगे मोह को अब तो छोड़ो, के कैसे छोड़े रस्य तुरस्कार नाम ज्ञान, चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा का रस पान करो, रस पान करो सिदानंद रस पान करें। और अधिक क्या हम सब बोले, भक्त नहीं भगवान बने, भक्त तो बने लेकिन अब भगवान बनने का समय है। तो भगवान बनने का समय है कि भगवान देखने का समय, जो भगवान को देखता है वही भगवान बनता है, जो शुद्ध देखे आत्म को वह शुद्ध आत्मा प्राप्त हो, अनशुद्ध देखे आत्म को अनशुद्ध आत्मा प्राप्त हो। हैं, आपने तो जीवन में स्वाध्याय किया हो, बस उसी का स्मरण करो, ध्यान पूर्वक अपने उपयोग को अंतर्मुख रखो, बस उपयोग में उपयोग को, उपयोग नहीं क्रोध आज में है, क्रोध क्रोध विशेषता, उपयोग नहीं क्रोधाज, क्रोधाज नहीं उपयोग में है, उपयोग में कर्म नहीं, उपयोग में नो कर्म, उपयोग में केवल उपयोग ही है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकट होता जीव के, जब ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ तब ही समस्त कर्मों का संवर है, उस आत्मा की अनुभूति में पुराने कर्मों की अजरा है और नजरा होते होते मुख्य दशा है। आत्मा शाश्वत मंगल स्वरूप है, वो सूत्र याद करो, जीवो मंगलम जीवो मंगलम जीवो मंगलम, शाश्वत मंगल रोग मंगल अकस्य मंगल जय मंगल जीवो मंगलम जीवो मंगल। ठीक है भाई, कोई प्रकार का विकल्प मत रखो, होते हुए को जानो।